क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। हेलो एंड वेलकम टू जिंजर बुकीज। बैम्बू फार्मिंग के बारे में मैंने एक वीडियो किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जरूर देखिएगा। उसमें बैम्बू फार्मिंग किसानों के लिए कितने फायदेमंद है ये बताया है। आज का वीडियो एक स्पेशल वैरायटी बैम्बू के बारे में है, रीमा बैम्बू, और उसे रीमा बैम्बू भी कहते हैं, जो सिर्फ किसानों के लिए नहीं पूरा देश के लिए फायदेमंद है। रीमा बैम्बू बैम्बूसा बालकोआ नाम का बैम्बू से क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर करके बनाया, इसे तैयार किया है तमिलनाडु के डॉक्टर नंबी भारती, जो ग्रोम और बायोटेक लिमिटेड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कंपनी के डायरेक्टर हैं। उनके 8 साल के रिसर्च वर्क के कारण दिन में 1.5 फीट 1.5 फीट बढ़ने वाला ये बीमा बांबू तैयार हो गया। दूसरे बांबुओं से बीमा बांबू के स्पेशल क्वालिटीज मालूम पड़ने के बाद डॉक्टर भारती ने एग्रीकल्चरल फील्ड में कितने महत्वपूर्ण काम किया है ये समझ पाएंगे। श्री नितिन गडकरी जी 2018 में भारत सरकार में MSME मिनिस्टर थे, तब बांबू फार्मर्स को संबोधित किया हुआ ये स्पीच आप अभी सुनेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसके साथ पोल्ट्री होगी, डेयरी होगी, मध होगा, बांबू होगा और पूरक ऐसे कोई उद्योग होंगे जिसके कारण किसानों की सस्टेनेबल ग्रोथ हो सकती है, विकास हो सकता है। बांबू ये ऐसी चीज़ है कि जिसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका पर एकड़ प्रोडक्शन अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ भीमा बांबू आया है, बाकी भी यहाँ बांबू है, अभी फॉरेस्ट वालों ने उसको सैम्पलिंग करके किसानों को देने की व्यवस्था भी की है। इन्वायरमेंट के हिसाब से बांबू के कारण, पेड़ लगाने के कारण हमारे इन्वायरमेंट की भी रक्षा होगी, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि किसानों को इसमें से पैसे आमदनी भी होगी। कि एक एकड़ बांबू लगाया तो भीमा बांबू जैसा है वो 200 टन होता है, और बाकी बांबू में थोड़ा कम है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा है, जाड़ा बांबू है, पर कोई भी लगाएंगे तो मुझे लगता है कि एक एकड़ में 80 से 100 टन के कम कोई नहीं होगा। और इसलिए मैंने अभी जाहिर भी किया है कि अगर किसी को बांबू के लिए अगर ग्राहक नहीं मिलेगा तो हमारी शुगर फैक्ट्री की तरफ से हम लोग गन्ने के भाव से बांबू खरीदने के लिए तैयार हैं। बीमा बांबू के फायदे क्या है देखेंगे। आप जानते हैं बांबू इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन अर्थ, ये इतना तेजी से बढ़ते हैं, एक दिन में 1.5 फीट हाइट हो जाता है। हर एक प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन बीमा बांबू एक साल में 300 kg ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जबकि एक इंसान को साल में 280 kg ऑक्सीजन का ज़रूरत है। इसे कार्बन सिंक भी कहा जाता है, क्योंकि एक साल में एक बीमा बांबू 400 kg कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, मतलब एक एकड़ बीमा बांबू 80,000 kg कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में अब्सॉर्ब करते हैं। कार्बन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, द कार्बन इज टेकन टू द बॉडी, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउटसाइड।
and the amount of oxygen released by one Bhima bamboo tree, if you measure, is 320 kilograms per year. I mean, the number may not make any sense to you now, but you all breathing for 14 times a minute. Heart is 72, but the breath is 14 times. Now, this oxygen is quantified for the whole year is 280 kilograms per person per year. 50% carbon in the body. Almost 50% carbon in the body. And that carbon is come from the carbon dioxide. This is what happens when the patient takes the hospital with a heart attack or the accident. The first thing is they put an oxygen mask. And if they put oxygen mark, automatically the breath becomes normal. Otherwise, till then you'll be panting. Demand for oxygen is very high. But bamboo is natural oxygenator. We are going to do it now in Kappenbark and Lalbark. But next time when you're going, Kappenbark, already they have a lot of trees. All trees are producing oxygen. All trees are doing photosynthesis. But the rate at which any bamboo, the yield is extremely high because this is the only plant grows 1.5 meters a day in the world. अन्य बाम्बुओं से बीमा बाम्बू के बायोमास कंटेंट बहुत ज़्यादा है और इससे इलेक्ट्रिसिटी, बायो एथेनॉल और बायो सीएनजी बना सकते हैं। अगर बायो सीएनजी यूज़ किया तो डीजल का खर्चा 50% कम कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी का 20% बजट पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इम्पोर्ट में खर्चा किया जाता है। 8 लाख करोड़ पेट्रोल इम्पोर्ट करने में और 40,000 करोड़ पेपर इंपोर्ट करने में भारत सरकार खर्चा करते हैं। अगर बांबू बायोमास प्रोडक्शन बढ़ाया तो इंडियन इकोनॉमिक प्रॉफिट काफ़ी बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ लाखों किसानों को रोजगार भी मिलेगा। मोदी जी 2014 में बांबू को ग्रास कैटेगरी में लाने के कारण बांबू कल्टिवेशन में सरकार का पूरा सपोर्ट है और बांबू कल्टीवेशन में बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रोजेक्ट पीएम नेशनल बांबू मिशन आयोजित किया है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट किसानों को मदद करते हैं। इतना सुनने के बाद आपको समझ में आया होगा मोदी जी ग्लासगो कोप 26 में किए हुए वादे कैसे पूरा करेंगे। एक, सोलर एनर्जी लार्ज स्केल में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, विंड एनर्जी का इस्तेमाल भी बढ़ा सकते हैं। तीसरा, हाइड्रोजन गैस के उपयोग से पेट्रोल का उपयोग कम कर सकते हैं और बांबू फार्मिंग, स्पेशली बीमा बांबू का कल्टीवेशन को बढ़ावा देकर पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जल्द से जल्दी हासिल कर सकते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फॉसिल फ्यूल है, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म है, लेकिन बीमा बांबू एक बार लगाएंगे तो 100 साल तक इससे बांबू का उत्पादन कर सकते हैं। नेशनल बांबू मिशन के द्वारा बांबू की खेती करने वाले किसानों को एक पौधे को 120 रुपये दिया जाता है। हर एक ज़िले में नोडल अधिकारी बनाया है और 21 राज्यों में इस मिशन को लागू किया है। तो देर किस बात की है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप जल्दी से नेशनल बांबू मिशन से जुड़िए और नेशन बिल्डिंग में शामिल हो जाइए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जिंजर कुकीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिंजर कुकीज। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने आने तक बाय।